ग्रामीण क्षेत्रों के डाक विभाग कर्मचारी चिट्ठियां बांटना छोड़ पोस्ट ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी मांग है कि जब तक उन्हें सातवें वेतन आयोग की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस मौके पर सभी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि वे 3 दिनों के भीतर उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए मुकुंदलाल मंडलीय सचिव ने बताया कि अखिल भारतीय पोस्टल एम्प्लाईज यूनियन के आह्वान पर आज से डाक विभाग के ब्रांच पोस्टमास्टर, ग्रामीण मेल डिलीवर और ईडी समेत 800 कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं और ये उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की मांग को पूरा नहीं करती है। केंद्रीय मुख्यालय से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जब सूचना मिली है तो हम अपनी सातवें वेतन आयोग की मांग को लेकर 22 मई 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। सोलन जिला के लगभग 450 कर्मचारी और सोलन डिवीजन के लगभग 800 कुछ कर्मचारी जो है आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक माननीय भारत सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया। जितने भी कर्मचारी है सभी ने डाक लानी ले जानी, डाक बांटनी, ये सारी पूर्ण रूप से आज 22 मई से बंद कर दी है और जब तक भी हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया, एक सही निर्णय नहीं लिया गया, तब तक पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण डाक सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।